हमारे कॉलेज में आईटी डिपार्टमेंट का, हमारे डिपार्टमेंट का, तो उधर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। कॉलेज की पार्किंग में पहुंच चुके हैं और बाइक पार्क कर दी है, तो अभी अंदर चलते हैं और मोबाइल को डालते हैं बैग में और अंदर जाके निकालेंगे। अभी हम कॉलेज के अंदर पहुंच गए हैं, तो अभी चलते हैं सेमिनार की तरफ। ये हमारे कॉलेज का ग्राउंड है। अभी हम सेमिनार रूम में पहुंच चुके हैं, तो ये देखें जी सेमिनार रूम भर चुका है और अभी बच्चे काफ़ी भय नहीं है, देखें बंदर आते हैं कि नहीं। ये सामने ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है और अभी यहाँ पर थीटा सॉल्यूशंस आईटी कंपनी आएगी, तो वो वहाँ पर हमें लेक्चर को देगी। और सामने ग्रामीण पुराने भाग के बाद बाकायदा आगाज हो चुका है जी सेमिनार का। स्टूडेंट्स को इस बात की आगाही फराहम करना है कि आने वाले दौर में स्टूडेंट्स आईटी की डिग्री हासिल करके कौन सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए दुनिया में अपना लोहा मनवा सकते हैं। खवातीन हजरात, टाइम की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए मैं नाते रसूल मकबूल के लिए दावत देता हूँ आईटी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट। ये थीटा सॉल्यूशंस आईटी कंपनी है, ये आई हुई है हमारे कॉलेज में सेमिनार के लिए, तो ये उन्होंने हमें पंपलेट दिए हैं। तिलावत कुरान पाक के बाद नाद के लिए माशाल्लाह बच्चा आ गया। आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, हमने कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रैक को फॉलो नहीं करना, हमने कुछ स्पेशल प्लानिंग करनी है फॉर आवरसेल्फ्स कि उस स्पेशल प्लानिंग के थ्रू हम अपने आप को कैसे मार्केट में एंगेज कर सकते। स्टार्ट करने से पहले एक और क्वेश्चन बच्चों के लिए कर दूँ, अक्सर स्टूडेंट्स इस वेट में होते हैं कि ग्रेजुएशन करूँगा उसके बाद आई विल सी कि मैंने क्या किया। जिस एज में हम इस वक्त चल रहे हैं जिसको डिजिटल एज कहा जा रहा है, इसमें इस चीज़ तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम एक दो तीन चार साल वेट करें और उसके बाद डिसाइड करेंगे हमारा प्रोफेशनल कैरियर क्या होगा। मतलब मीरपुर से कुछ स्टूडेंट्स आए होते हैं, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले सकता, पता आपको चल गया। मैं वो स्टूडेंट्स मीरपुर से सियालकोट एक प्रोजेक्ट लेके, मैं इसी तरह एक क्लास में था तो टीम में ट्रैकर साहब को स्टूडेंट्स मीरपुर से आपको मिलने आए, मैं कहता सियालकोट के होंगे वैसे मीरपुर पढ़ने जाते हैं, मैं तो कहता नहीं सर मीरपुर से ट्रैवल करते हैं हम उधर के स्टूडेंट्स, क्योंकि इतनी दूर से आप ट्रैवल करके सियालकोट आए हैं। तो सर ये एक प्रोजेक्ट है, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है बीएसआईटी। सर ये एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना है, डेडलाइन करीब है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ कैसे करें। क्योंकि प्रोजेक्ट को मैं बाद में देखूँ, पहले मुझे ये था कि ये आपको इतनी ज़्यादा मोटिवेशन की कैसे मिली कि एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब है और उसको कंप्लीट करने के लिए आप मीरपुर से ट्रैवल करके सियालकोट तक आ गए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। ये तो सर हम फर्स्ट सेमेस्टर से काम कर रहे हैं, कैसे गेस्ट का एक दफ़ा फिर से शुक्रिया अदा करूँगा कॉलेज की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, और बेटा विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, मेक अप योर माइंड टू यूटिलाइज दिस फ्री टाइम ऑफ योर्स जो इन एग्जाम्स के बाद आपके पास वन एंड हाफ मंथ अबाउट वन मंथ मेरा हाल बचेगा, तो उसको बेटा कोई स्किल सीखें
स्किल सीखे और स्किल सीखे। थैंक यू। सेमिनार हमारा ख़त्म हो चुका है, तो अभी ये स्टूडेंट सेमिनार रूम से बाहर आ गए हैं और ये अपनी अपनी क्लासेस की तरफ जा रहे हैं। अभी हम सेमिनार अटेंड करके आ गए हैं, तो यहाँ पर आते ही हमारा पेपर शुरू होने लगा। ये देखिए हमारी पूरी वहाँ बैठ गई है सेमिनार में पेपर देने के लिए। ये फहद भाई, फहद भाई आता है पेपर? गुड मुजम्मल भाई को तो आता। ये हम सेमिनार अटेंड करके और पेपर दे के तो वापस जा रहे हैं। कॉलेज की सीढ़ियाँ आगे कोई हमें गार्ड टाइप ना टक्कर जाए, क्यों जैसा चले जो आज सेमिनार हुआ है हमारे कॉलेज में। हमारे कॉलेज में आईटी डिपार्टमेंट का जो अटेंड किया उसमें हमें ना ज़्यादातर उन्होंने यही बताया कि आईटी के फील्ड्स के बारे में और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया मार्केटिंग एसईओ वगैरह उन्होंने फिर अपनी सर्विसेज बताया वो क्या क्या सर्विसेज देते हैं और क्या क्या हम आईटी की फील्ड के मुताबिक कर सकते हैं। ये था आज का सेमिनार और काफ़ी डिटेल में बताया। 40-45 मिनट का लेक्चर दिया। थीटा सॉल्यूशंस कंपनी आई हुई थी सियालकोट की, काफ़ी बड़ी कंपनी, आईटी कंपनी। तो उसके बाद हमारा हुआ टेस्ट, एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं हमारे, तो हमारा एक टेस्ट हुआ है। वो टेस्ट देकर तो अभी हम वापसी को जा रहे हैं घरों को। तो ये हमारे साथ गुजर साहब ड्राइविंग कर रहे हैं जी। तो गए अभी मैं कॉलेज से घर वापस आ चुका हूँ सेमिनार अटेंड करके। तो करते हैं जो आज के ब्लॉग हम यहीं पर एंड। अगर ब्लॉग अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलेंगे आपको किस नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।